हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना पांडे फ्रॉम गवर्नमेंट MMRPG कॉलेज चापा से हूँ। मैं आज आप लोग को जूलॉजी सब्जेक्ट के BSc सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड, इसमें भी यूनिट थर्ड में चैप्टर थर्ड का पार्ट वन वेरिएशन, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो वेरिएशन यानी विभिन्नता है, इसके बारे में जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन, ये किस 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 रूप में दिखाई देता है, इसके प्रकार, इसके कारण, इन सब के बारे में हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वेरिएशन, तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि हमारे प्रकृति में विभिन्न तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखाई देते हैं, जो आपस में बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखाई देते। चाहे पेड़ पौधे हों तो सभी पेड़ पौधे एक जैसे नहीं दिखाई देते, ना ही जीव जंतु हैं तो सभी, जैसे कहेंगे कि सभी मान लीजिए कुत्ते हैं तो क्या सभी एक जैसे दिखाई देते हैं, या मनुष्य है, मेल है या फीमेल है, सब एक जैसे दिखाई नहीं देते। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की सभी संतानें एक जैसे दिखाई नहीं देती है ना, सिवाय ट्विंस को छोड़ करके। ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे, उनमें कुछ समानताएं दिख सकती हैं। तो इन्हीं विभिन्नताओं के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो विभिन्नताओं को क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंसेस फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। यानी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज यानी सजातियों के बीच में पाई जाने वाली असमानताएं, इन्हीं को क्या, वेरिएशन कहा गया है। सजातियों के बीच में पाए जाने वाली असमानताओं को क्या कहते हैं, विभिन्नता, विभिन्नताएं कहते हैं। तो ये विभिन्नताएं तीन प्रकार से हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस, साइकोलॉजिकल वेरिएशंस और फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। तो ये वेरिएशंस इस रूप में दिखाई देते हैं, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस, साइकोलॉजिकल वेरिएशंस, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब होता है संरचनात्मक विभिन्नताएं ने बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर संरचना का, बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, कलर हो सकता है, यानी जीव का रंग, ऑर्गन साइज यानी अंगों का आकार, इनसे संबंधित जितनी विभिन्नताएं हैं वो क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन में आता है। तो पहला समझ में आया आप लोग को, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन के अंतर्गत एनिमल या प्लांट की का बॉडी स्ट्रक्चर, कलर और उसमें पाए जाने वाले अंगों की साइज, शेप या साइज, इसके बारे में जो विभिन्नताएं आती हैं वो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन के अंतर्गत रहती है। दूसरा है साइकोलॉजिकल वेरिएशंस। साइकोलॉजिकल का मतलब नाम से स्पष्ट है, साइकोलॉजी मतलब मनोवैज्ञानिक, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक विभिन्नताएं। इसमें जीवों में या पौधों में क्या, उनके स्वभाव में, स्वभाव से संबंधित, नेचर रिलेटेड, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता से रिलेटेड और मेंटल रिलेटेड, यानी मानसिक संबंधी जो विभिन्नताएं आती हैं वो
साइकोलॉजिकल वेरिएशंस के अंतर्गत आती है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक विभिन्नताओं के अंतर्गत सजीवों में के स्वभाव, बुद्धिमत्ता और उनके मानसिक संबंधी जितने भी विभिन्नताएं आती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। तीसरा है फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। फिजियोलॉजिकल यानी क्रियात्मक। फिजियोलॉजी का आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग के पेपर फर्स्ट में फिजियोलॉजी का पूरा कंपरेटिव एनाटॉमी है। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कार्य की। तो उससे संबंधित जितने भी वेरिएशंस आते हैं वो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसमें आता है आपका डाइजेशन से संबंधित यानी पाचन से संबंधित, रेस्पिरेशन से संबंधित यानी श्वसन संबंधित, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन से संबंधित, रिप्रोडक्शन से संबंधित, इससे संबंधित जितनी विभिन्नता है वो सभी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस के अंतर्गत आती है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वेरिएशंस के बारे में, वेरिएशंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जैसे पहला है कंटिन्यूअस एवं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, अविच्छिन्न और विच्छिन्न भिन्नताएं। तो पहला प्रकार क्या बताया? कंटिन्यूअस एवं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, अविच्छिन्न और विच्छिन्न भिन्नताएं। दूसरा है डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट वेरिएशंस। डिटर्मिनेट यानी निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक विभिन्नताएं। तीसरा है सोमेटोजेनिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस। सोमेटोजेनिक का मतलब होता है कायिक और जर्मिनल का मतलब जनिक विभिन्नताएं। तो ये इतने प्रकार के वेरिएशंस होते हैं। तो हम लोग एक एक का डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस वेरिएशंस के बारे में। जिसमें वेरिएशंस या विभिन्नताएं छोटी छोटी तथा क्रमबद्ध तरीके से होती है, यानी छोटी छोटी विभिन्नताएं सिस्टमैटिक तरीके से होती है तो उनको कंटिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं। इसमें ये वेरिएशंस इन्हें ऑर्गन की साइज में, एनिमल के ऑर्गन की साइज में, कलर में या ऑर्डर में किसी में भी हो सकती है ना। इसी को ये वेरिएशंस क्या होती है? कंटिन्यूअस वेरिएशंस कम या ज्यादा हो सकती है। इसीलिए इन वेरिएशंस को डार्विन ने फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस भी कहा। किसने कहा? डार्विन ने। क्या कहा? फ्लक्चुएटिंग। तो ये डार्विन ने कहा फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन। तो ये विभिन्नताएं क्या है? ज्यादातर परिमाण संबंधी ज्यादातर होती हैं और संख्या संबंधित कम होती हैं। यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएशंस है जो साइज रिलेटेड ज्यादा होती हैं और नंबर रिलेटेड कम होती हैं। इनका जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में महत्व है वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन से थोड़ा कम है, क्योंकि ये ज्यादा देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होती है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो अविच्छिन्न विभिन्नता है या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस।
ये वेरिएशंस क्या होते हैं? अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं। ये वेरिएशंस अचानक होती हैं और ये वेरिएशंस क्या होती हैं? जब पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है और क्या करती है, नई स्पीसीज का निर्माण करती है। इन्हीं को ह्यूगो डिब्रीज ने क्या कहा, म्यूटेशन शब्द का यूज किया इनके लिए। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, यानी अचानक होने वाले परिवर्तन, अचानक होने वाले परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुग्रह होते हैं उनको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के लिए ही डिब्रीज ने क्या शब्द यूज किया, म्यूटेशन। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में इनका बहुत महत्व होता है और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, नई जाति की उत्पत्ति होती है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को दो कैटेगरी में और बांटा गया है। पहला है क्वालिटेटिव और सब्सटेंटिव वेरिएशन, दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएशन या मेरिस्टिक वेरिएशन। क्वालिटेटिव नाम से स्पष्ट है, क्वालिटी क्वालिटी यानी क्वालिटी ने गुणात्मक गुणात्मक विभिन्नताएं हैं जो वो क्वालिटेटिव वेरिएशन में आती हैं, और क्वांटिटेटिव यानी संख्यात्मक वेरिएशन यानी नंबर रिलेटेड संख्या संबंधी जो विभिन्नताएं आती हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएशन के अंतर्गत आती है। तो जो क्वालिटेटिव वेरिएशन है वो क्या, इसके अंतर्गत क्या है, जीव के शरीर के किसी भाग में या अंग में परिवर्तन का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी भी बॉडी ऑर्गन के आकार में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो क्वालिटेटिव वेरिएशन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के अंतर्गत आता है। जैसे कि सेठ राइट ने जो भेड़ों का समूह उसमें शीप का बेबी यानी लैम्ब में क्या बॉडी क्या थी, इसकी सामान्य थी, लेकिन शीप के जो पैर लैम्ब का जो पैर था वो बो शेप था यानी धनुषाकार था। तो इस प्रकार का जो विभिन्नता आई है वो किसका एग्जाम्पल है, क्वालिटेटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का उदाहरण है। तो इसमें इतना ही। दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएशन। क्वांटिटेटिव वेरिएशन यानी विभिन्नता किसमें आती है, किसी भी जीव की संख्या में विभिन्नता आती है। तो इसके अंतर्गत इसको हम दो कैटेगरी में बांटे हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पॉजिटिव क्वांटिटेटिव वेरिएशन और नेगेटिव क्वांटिटेटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ऐसी विभिन्नताएं जिसमें किसी एनिमल के शरीर के किसी अंग की संख्या में अधिकता होने होती है। तो इस प्रकार का जो चेंज होता है उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएशन के अंतर्गत। जैसे कि कुछ मानव में 5 की जगह 6 उंगलियों का पाया जाना, या स्टारफिश है उसमें जनरली 5 आर्म्स होती है तो 5 की जगह 6 आर्म्स का पाया जाना, ये किसका उदाहरण है, पॉजिटिव क्वांटिटेटिव वेरिएशन का एग्जांपल है। नेगेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएशन में क्या है, इसके अंतर्गत किसमें जीव के अंगों की नॉर्मल संख्या होती है उससे कम संख्या का होना। जैसे कि कुछ लोगों में 2 की जगह में 1 ही किडनी का पाया जाना, या कुछ बछड़े होते हैं जिनमें सींग का नहीं पाया जाना, ये सब उदाहरण किसके हैं, नेगेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएशन के एग्जांपल्स हैं।